लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राम राम जी। राम 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 बाहर मिल जाएगी। जी चाहता है तेरा गला दबा दूं। गला ठीक है, जरा पांव दबा देना, बहुत दर्द है। हाँ अभी तोड़ता हूँ तेरी टांग, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मैंने तुझे क्या कहा था? क्या कहा था ना मेरे चले जाने के बाद चिल्लाना? पहले क्यों चिल्लाई? मैं कहाँ चिल्लाई, मैं तो चुपचाप बैठी थी। हाँ हाँ मैं चिल्लाया, मैं चिल्लाया। तुम क्यों चिल्लाए? ओफो, इस लड़के के साथ ये आदमी कौन है? मालूम नहीं। मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी है तू? पूरी 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 मुझे पूरी खानी है, पूरी खानी है। हाँ, पूरी हाँ, मुझे खा ले, मुझे खा ले राक्षसी। माफ कीजिए जरा एक मिनट इधर आएंगे, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो आपकी बीवी है? जी नहीं है, मैं जानता हूं। इसे पहचानते हैं? ये तो उसी की तस्वीर है। आपके पास कैसे आई? बस आपके पास मेरी बीवी है और मेरे पास उसकी तस्वीर। आपकी बीवी? जी हाँ, पागल है, घर छोड़कर चली गई और मैं उसी की तलाश में फिर रहा हूँ। अजी महाराज कहाँ थे आप अब तक? फौरन तुरंत इसी वक्त अपनी बीवी को अपने साथ ले जाइए। ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो मुझे नहीं आपको अपना पति समझती है। जी वही तो रोना है। आप जरा उसे समझाइए ना। अजी उसे कौन समझा सकता है, वो तो बिल्कुल गंगाराम है। कुछ भी कीजिए, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। जी हाँ वो तो बहुत दिनों से मेरे साथ है, लेकिन मैं गाड़ी भाड़े पर ले आता हूँ। हाँ और उसे बिठा के उसे फौरन यहाँ से ले जाइए। आप भी थोड़ी दूर हमारे साथ चलिए ना। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं फिर साथ चलूं? आप जानू और आपकी बीवी, मैं इस झंझट में फिर से गिरना नहीं चाहता। आप नहीं चलेंगे तो वो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ पीछा तो नहीं छोड़ेगी। ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन रास्ते से वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल, मैं प्लेटफार्म के बाहर जाकर गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। और हाँ मैं उसको यहाँ बैठा के रखता हूँ। मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं। वारे राम वाह। राम 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 यहाँ है? अरे वो राम नहीं, मेरा बचपन का दोस्त राम। वो कालिया कौन है? कालिया नहीं, राम का छोटा भाई श्याम है। मुझे कहने लगा मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। वो भाग गया? मोटर गाड़ी लेने गया है। मोटर गाड़ी वाला? तू क्या उसको जानती है? कौन है? राम का भाई श्याम। मोटर गाड़ी आई। अरे मैं बैठूंगी, यहाँ बैठूंगी। आप आगे बैठ जाइए। ए राम के भाई श्याम, मैं यहाँ बैठूंगी इनके पास। तुम वहां नहीं, यहाँ बैठूंगी मेरे पास। ए, 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 ए,
बताता हूँ। गोरी, ये तुम्हारा पति है। मैं पति को मारूंगी। अरे जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ बाबा, तुम तो मेरी बहन हो, माँ हो, माँ लड़की उसी खूनी के साथ है। कौन खूनी? वही राजा। राजा? जी हाँ। जी हाँ के बच्चे, उसको फौरन अपने कब्जे में करो। हमने बहुत कोशिश की, बहुत झगड़ा हुआ, पर दोनों बचकर हमारी जीप में बैठकर भाग गए और हमारा एक रिवॉल्वर भी साथ ले गए। किधर भाग गए? गाड़ी पहाड़ी घाट की तरफ गई है। देखो, तुम दोनों जीप को ढूंढो और मैं पुलिस को फोन करता हूँ कि उनका भागा हुआ कैदी रिवॉल्वर के साथ पहाड़ी घाट पर देखा गया है। सुनो, पहुंचने से पहले तुम मेरी चीज को खत्म कर दोगे। मौका मिला तो हम दोनों को ही खत्म कर देंगे। और नो इडियट, दोनों को नहीं, सिर्फ मेरी दी हुई तस्वीर को। ए, लड़की को खत्म करना है, जल्दी चलो। गौरी, ए गौरी, गौरी होश में आओ। गौरी, वक्त बहुत कम है, मेरी तरफ देखो। ये लोग कौन है गौरी, बोलो। मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तुम कौन हो गौरी, कौन हो तुम? हाँ। गौरी। वो मैं जानता हूँ गौरी, पर तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये बदमाश तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मैं थकी हूँ। गौरी, गौरी तुम्हारी जान खतरे में है, ठीक से याद करो, याद करो कि तुम कौन हो। मुझे कुछ याद नहीं, मुझसे मत पूछो। क्यों नहीं पूछो गौरी? एक पागल लड़की की जिंदगी इतनी कीमती नहीं होती कि लोग उसके जान के पीछे पड़ जाएं। मैं पागल नहीं हूं। तुम पागल नहीं हो? नहीं। तो ये सब नाटक था।
मैंने अपना इतना कीमती वक्त तुम्हारे साथ बर्बाद किया सिर्फ ये सोचकर कि तुम पागल हो, और तुमने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। ये सब नाटक तुमने मेरे साथ क्यों किया? अपनी जान बचाने के लिए मैंने सोचा तुम्हें खूनी हो, शायद मुझे पागल समझकर जान से नहीं मारोगे। फिर मेरा साथ क्यों पकड़ा? तुम्हारा साथ कैसे छोड़ती, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी। तुम्हारा घर बार कहाँ है? नहीं है इस दुनिया में, मेरा और कोई नहीं है, सिर्फ बापू थे, वो भी एक दिन मुझे अकेले छोड़ के चले गए। मरते वक्त बापू ने कहा था, बेटी मेरे मरने के बाद तू पहाड़ पर चले जाना, वहां तेरा एक दूर का भाई रहता है, सुना है बड़ा आदमी है, शायद तुझे सहारा देते और अपने पास रख ले। बापू के क्रियाक्रम के बाद लोगों से पूछती, सड़क पर भटकती, मैं उसे दूर के भाई के घर जा पहुंची। एक राहगीर ने पूछने पर कहा, ये मकान के पीछे का दरवाजा है, चली जाओ। मैं अंदर गई, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवेली के ऊपर से किसी बाजी की आवाज आ रही थी। मैं सीढ़ी से ऊपर आवाज की तरफ बढ़ने लगी, एकाएक बाजा बंद हो गया और एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मुझे मत मारो मुझे। डरते डरते उसी कमरे में जा पहुंची और जो कुछ भी मैंने देखा वो बहुत भयानक था। क्या भयानक था, क्या देखा तुमने? मुझे मत मारो। डर से कांप गई, भागना चाहा पर भाग न सकी। वो आदमी मेरी तरफ घुमा, जुबान से उठपटंग बातें निकलने लगी और उसने समझा मैं पागल हूं। अपनी जान बचाने के लिए पागल बन गई। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है, अब तुम चाहो तो मुझे छोड़ के जा सकते हो। तुम उस खूनी को जानती हो? हाँ। कौन था वो? रमेश। रमेश? कौन रमेश? वही मेरा दूर का भाई। जिस औरत का खून है वो कौन थी? शायद उसी की बीवी थी, मैं नाम भूल गई। माया? हाँ माया। गौरी, मेरे ऊपर जिस खून का इल्जाम है वह वही है जो तुमने देखा है। मैंने तो तुम्हें वहां नहीं देखा। क्योंकि मैंने वो खून नहीं किया, मैं बाद में पहुंचा था वहां। फिर पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा? क्योंकि रमेश ने बड़ी चालाकी से खून मेरे सर मर दिया है। मैं समझी नहीं। अरे पगली, सिर्फ तुम मुझे फांसी के तख्ते से बचा सकती हो। हाँ मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन ले चलो, मैं पुलिस से सब कुछ बताऊंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे ले चलो जल्दी। लेकिन गौरी, 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 इन बदमाशों ने तुम्हें भी मार दिया। पुलिस आ गई, भागो यहां से।